नमस्ते गुड मॉर्निंग गाइस स्वागत है आप सभी का टेक्स बुक डॉट कॉम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सुबह को बज चुकी है साढ़े नौ राइट नाइन थर्टी एम इन द मॉर्निंग सो गाइस क्लास का समय हो चुका है अपनी करंट अफेयर की एज यू ऑल नो कि हम थाउजेंड करेंट अफेयर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे और ये एक हजार करेंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही सो so इसका है आज पार्ट नंबर ट्वेल्व रैनी की भाग नंबर बारह हम डिस्कशन करेंगे जो पर्टिकुलर सीरीज का राइट सो सभी से स्वागत है गईस गुड मॉर्निंग हेलो पुनीत राधे राधे पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए पुनीत शायद पीडीएफ अपलोड हो गई है एक बार चेक कर लीजिएगा गुड मॉर्निंग रितिका गुड मॉर्निंग अनिल अर्चना गुड मॉर्निंग सो गई जल्दी से यहाँ पर गुड मॉर्निंग चौधरी अमित पटेल जी दिग्विजय गुड मॉर्निंग अभिषेक गुड मॉर्निंग तो गई सभी लोग जल्दी से यहाँ पर अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए यू नो हाउ टू मार्क यू अटेंडेंस जस्ट हिटिंग द लाइक बटन ऑफ द वीडियो आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर देना है और अटेंडेंस मार्क करने के साथ साथ जो है ना आपको यहाँ पर अपना जो है ना क्या मार्क करना है सेशन को शेयर कर देना है राइट right, सेशन को शेयर कर देना है राइट right, आज है पार्ट नंबर ट्वेल्व भाग नंबर बारह सो सेशन शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए राइट right? और यहां पर सेशन को सब लोग क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए ठीक so, है सो चलते हैं अपन आज के सेशन की तरफ सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज के सेशन का वो ये रहा कल वाला पीडीएफ नहीं मिला हाँ कल वाला नहीं मिला होगा वो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाउस समिट जो हाउस समिट है हाउस शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इट इज अ ग्लोबल समिट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड ये विश्वभर में पर्यावरण के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है इट इज अ ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज एंडियन साइंटिस्ट एंडियर शो केस दल्चर अवेयरनेस इन स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया सही उत्तर इसका कहला जाएगा इट इज अ ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड अकेडमिशियन जो भी आपके प्रवासी और निवासी भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षाविदों का ये सम्मेलन कहलाता है मतलब इट्स अ ग्लोबल समिट जो ओवरसीज है रेसिडेंट है इंडियन साइंटिस्ट और जो भी आपके एकेडमिक्स वगैरह है राइट right? अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका वट इज द वैभव राइट वैभव का फुल फॉर्म क्या होता है सो so, इसको कहा जाता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट वैभाव इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक भारती समिट इसी को क्या कहा गया इसी को यहां पर जो है ना वैभव कहा गया ठीक है आगे बढ़ते हैं हुक्टेड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी इतिहास का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जिसको क्या बोलते हैं इजूता चैन पुरस्क्रम द केरलाज गवर्नमेंट हाइजेस्ट लिटरेरी ऑनर केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा पॉल जाचरिया राइट पॉल जाचरिया को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है या इनको यहाँ पे चुना गया है किस चीज से रिलेटेड आपके चुने गए हैं सो ट्वेंटी ट्वेंटी चैन पुरस्कार राइट ये केरला गवर्नमेंट का सबसे हाइजेस्ट लिटरेरी ऑनर है हाइजेस्ट लिटरेरी ऑनर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर राइटर को दिया जाने वाला सबसे हाइजेस्ट अवार्ड है राइटर को दिया जाने वाला सबसे हाइएस्ट अवार्ड है ठीक है जिसे क्या बोला गया आपका जिसे कहा गया पॉल जासरिया सो so, आगे बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये यह जो अवार्ड है ना इसमें कितना प्राइज मनी वगैरह दिया जाता है तो ये अवार्ड जो आपके इजुथान चैन जो फादर कहलाते हैं मलयालम लैंग्वेज के राइट ये जो आपके ज इनको क्या कहा जाता है इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर राइट right? ये इनको कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग द पास फाइव डिकेट्स ठीक है सो इन्हीं के उसमें सम्मान में पर्टिकुलर पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो प्राइज मिलता है आपका कितना पांच लाख रुपया का पांच लाख रुपए का जो है यहाँ पर प्राइस दिया जाता है आगे बढ़ते हैं हु बीन सेलेक्टेड फॉर क्वेश्चन तो सेम हो गया अच्छा हाँ यहाँ पर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी पुरस्कार द केरलाज गवर्नमेंट हाइजेस्ट लिटरेरी ऑनर यह क्वेश्चन गाइस यहां पे कंप्यूटर जी हमारे लगता है गड़बड़ कर गए हैं ठीक है थीके? ये वाला गड़बड़ है इसको ध्यान मत देना ये वाला भी इसका राइट right आंसर क्या है पॉल जाचरिया अभी मैंने आपको बताया ठीक है तो आगे चलते हैं ऑन विच डे इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है आप सभी जानते हो इंटरनेशनल कस्टम्स डे राइट ये आपका जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड द ग्लोब ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को छब्बीस जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किसके द्वारा ये सेलिब्रेट होता है जो आपकी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा राइट right. इसका अगर आप यूज देखें राइट right? इसका यूज अगर आप देखें तो किस लिए किया जाता है इसका यूज किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए फॉर द रीजन टू कमरेट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो कि आपका ऑफिशियल थी आपका कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल की उसके लिए ठीक है और यहां पर आप देखो जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये कब मतलब वो हुई थी इसको क्रिएट किया गया था 1952 1952 में इसको क्रिएट किया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है और 1952 में इसको क्रिएट किया गया था कस्टम बोल स्टेयरिंग रिकवरी रिनेवल एंड रेसिलेंस सस्टेनेबल सप्लाई चेन ये यहाँ पर इसका टाइटल रखा गया था 26 जनवरी ध्यान रखिएगाई डेली विच आइकोनिक मोन्यूमेंट बिल्डिंग दिल्ली मेरठ आर आर टी एस कॉरिडोर एक विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा होगी आर आर टी एस ट्रेन का डिजाइन दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक से प्रेरित है यह आपको बताना है सो so इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर कहला जाएगा लोटस टेम्पल राइट डेली मेट्रो का जो आरआरटीएस कॉरिडोर है ये आपका वर्ल्ड क्लास ट्रेवल फैसिलिटी है किसके लिए जो पर्टिकुलर आपके पीपल्स है ना उनको कमिट करता है जो भी आपके पर्टिकुलर दो शहर हैं और ये आपका जो लोटस टेम्पल है लोटस टेम्पल से यहाँ पर जो इंस्पायर्ड है ये अटेंड करता है स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है उसमें व्हाट इज द नेम ऑफ टेनिस वाज रिसेंटली पासड अवे वह टेनिस दिग्गज कौन था जिसकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है टेनिस के एक प्लेयर हैं जिनकी मृत्यु हुई है अभी हाल ही में सो उनका नाम क्या था ये आपको बताना है तो गईस इसका सही उत्तर आप देखें राइट आंसर कहला जाएंगे अख्तर अली अख्तर अली इसका सही उत्तर कहला जाएंगे टेनिस लीजेंड अख्तर अली अभी फरवरी 2021 में इनका निधन हुआ और ये रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को जो आठ डेविस कप इन्होंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को इंडिया को आठ डेविस कप में ठीक है है डेविस कप में इन्होंने जो ना रिप्रेजेंट करा है और यहां पर आप देखो तो ये पाकिस्तान मलेशिया ईरान मेक्सिको जापान मोनेको उन्नीस से चौसठ के बीच में और ये आपके एशियन मिक्स डबल चैंपियनशिप के बिनर भी रहे हैं ठीक है तो अभी ये हमारे बीच नहीं रहे हेलिना इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम हेलिना निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली का हेलीकॉप्टर प्रक्षेपण संस्करण है स्र... आप सभी सवालों के जवाब इतने जल्दी देती हो रजनीश कोई बात नहीं रजनीश आप भी जब पढ़ोगे ना तो आप भी इन सवालों के जवाब बहुत जल्दी देने लग जाओगे गुड मॉर्निंग अमित ओके okay, सो so इसका देखिए आपको क्या करना है सही उत्तर बताना है राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा तो गईस इसका सही उत्तर देखिए कहला जाएगा नाग अच्छा यहां पे जब आप देखोगे कि मतलब हेलेना एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है ये कौन से पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम का वर्जन है सो ये जो है ना आपका नाग का है अभी देखो काफी न्यूज में था राइट जब आपके जो ज्वाइंट यूजर ट्रायल्स हुए थे हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन जो नाग का एंटी टैग गाइडेड मिसाइल हेलेना का ये आपका एयरफोर्स वेरिएंट था जिसको ध्रुव शास्त्र ध्रुव शास्त्र कहा गया था और ये कहां पे जो आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म यहां से जो डेजर्ट रेंज है उसमें इसको पायर किया गया था एक चीज ध्यान रखिएगा भारत के मिसाइल सिस्टम को अगर आपको जानना है तो बिहार की राजधानी आपका जो है ना बहुत सहयोग कर सकती है जिससे अपन बोलते हैं पटना पी स्टैंड फॉर द पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग एंड आकाश पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश ये आपका जो भारत का मिसाइल सिस्टम है ये ध्यान रखिएगा चलिए व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हियरिंग डे टू जीरो टू वन जो विश्व श्रवण दिवस 2021 का विषय क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे टू जीरो टू वन का विषय क्या था सर टेक्स बुक इज इंक्रीजिंग रेपिडली टूवर्ड्स द पीक ओ थैंक यू शुभम अच्छा पुनीत पटना से है कोई बात नहीं पुनीत देखो पटना में आप रहते हो और पटना आपके बहुत काम आ रहा है तो इसका सही उत्तर देखो क्या कहला जाएगा व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन सही उत्तर कहला जाएगा आपका हियरिंग केयर फॉर ऑल अब देखो यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहिए था सभी ने आंसर तो कर दिया राइट ये भी आपको बताना चाहिए था कि एग्जैक्टली exactly जो ये आपका वर्ल्ड हियरिंग डे है ये कब मनाया जाता है राइट वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है तो आप सभी ने जब मार्च चल रहा था ना तीन मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया था है ना और पता है एक सबसे चौंकाने वाला वो भी निकला था कि साल 2030 तक 2030 को हर चौथा व्यक्ति एवरी फोर्थ पर्सन हर चौथा व्यक्ति क्या होगा आपका हियरिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित होगा राइट right? हियरिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित होगा क्यों हमारे उसमें लग गया है इस वजह से वट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट टू जीरो टू वन अंतरराष्ट्रीय बन दिवस दो हजार इक्कीस का विषय क्या है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट फॉर द सस्टेनेबल सिटीज क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर अदर्स गार्ड वाला जो सिस्टम है ना वो अलग ही क्लासेस चलती हैं तो उन सेशंस को देखो उसमें ज्यादा आपको मिल जाएगा हाउवर जीके की बात करें तो जीके का लेबल थोड़ा सा बदल जाता है बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं इसका सही उत्तर देखिए फॉरेस्ट रिजिस्टोरेशन पास टू रिकवरी टू एंड वेलबींग वन बहाली वसूली और कल्याण मार्ग ये इसका सही उत्तर कहला जाता है अब again, वही question, आपको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये भी तो बताना है कब मनाया जाता है हमने थीम तो देख लिया राइट हमने थीम तो देख लिया थीम क्या था फॉरेस्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग आप सभी देखो अभी जो भी पर्टिकुलर क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन राइट वट डू मीन बाई द डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई राइट right? तो इसी को यहां पर वापस से क्या करना है बहाल करना है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को इक्कीस मार्च को यहां पर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है सो देट ताकि वनों की कटाई को रोका जा सके इंटीग्रेटेड चाइल्ड लॉन्ग अवेयरनेस कम वर्कशॉप ऑन पोषण अभियान इन विच डिस्ट्रिक्ट मार्च दो हजार इक्कीस में एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग ने किस जिले में पोषण अभियान पर एक दिवसीय जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया है इन मार्च टू जीरो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेनेस कम वर्कशॉप ऑन पोषण अभियान इन विच डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर आप देखिए कहला जाएगा बांदीपुर राइट बांदीपुर कहाँ पर है ये आपको बताना है सो so, आप सभी देखिए मतलब बांदीपुर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे या जिसको बांदीपुरा कहा जाता है तो ये जो वर्कशॉप थी ना ये जहूर अहमद मीर जहूर अहमद मीर, मीर जो एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हैं बंदीपुरा के इनके द्वारा इनोग्रेट करी गई थी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इनका नाम है मनोज सिन्हा यानी हम किसकी बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं ठीक है तो जो आपका जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था 15 मार्च 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था ये आपका पोषण अभियान बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है बात समझ आई आपको यहां पर चलिए तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले देखिए आपके लिए कुछ ऑफर्स लेकर के आया है यहां पे भी चल रही है मेगा सेल वंस इन अ लाइफ टाइम सेल जहां पर आपको मिल रहा है टेस्ट बुक पास रुपीस 499, 499 में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएफसीसीआईएल का तो चेक बैच, सो यू। इस बैच में आपको मिलेगा एक कंप्लीट प्रिपरेशन टू क्रैक द डीएफसीसीआईएल एग्जाम और अगर आप परचेस करते हैं तो कोड जरूर ध्यान कोड करंट अफेयर फॉर एस एस एंड रेलवे लाइफ कोचिंग क्या इस करंट अफेयर में आपको पढ़ा तो रहा हूं अगर आप और पर्सनलाइज वे में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं राइट करंट अफेयर आप और पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहते हैं सो दिस बैच इज फॉर यू यहां पर आप इस पर्टिकुलर बैच में जनवरी टू जीरो टू वन से लेकर के डिसंबर टू जीरो टू वन के बीच का सारा करंट अफेयर हम यहां पर जो है डिस्कशन करेंगे राइट इस पर्टिकुलर बैच में मेरा कोड याद रखिएगा आर ए S S C C H S L Foundation Live Coaching Right इसमें भी आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा अगर आप R A टू ज़ेरो कोड वो यूज़ करते हैं एंड गाइस आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा क्योंकि C H S L का एग्जाम डेट निकल चुका है तो Chessbook Brings S S C C G L All India Live Test Series All India Live Test Series सात से लेकर के सत्ताईस जुलाई तक हर दिन आपको एक नया टेस्ट मिलेगा है ना और आपकी प्रेपरेशन के लिए यहां पर थर्टी डेज का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है राइट right, एक ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीके जीके की क्लास होती है दोपहर में एक बजे राइट right, यहां पर हम कर रहे हैं रिविजन और जीके की क्लास में हमने रिविजन किस किस का कर लिया हैव डन विद द हिस्ट्री पॉलिटी साइंस एंड टेक ये सब्जेक्ट का रिवीजन हो चुका है करेंटली जो है ना हम किसका रिवीजन कर रहे हैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं आज अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आपके लिए रेफरल कोड जरूर ध्यान रखिएगा दिस इज माई रेफरल कोड अगर आप इस पर्टिकुलर रेफरल कोड को अप्लाई करते हैं यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपको बीस परसेंट का ऑफ मिलेगा जो भी ऑनलाइन प्राइस रहेगा टेस्ट बुक सेलेक्ट लाइव कोचिंग पर राइट चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसेंटली रेलिस इंडिका एंड बुलेटा टू न्यू हैव बीन डिस्कवर्ड दोस्कवर्ड आर द स्पीसीज ऑफ हाल ही में हाइपेनिया हाइपेनिया इंडिका और बुलेटा इन दो नई प्रजातियों की खोज की गई है ये निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियां हैं कोरल मूंगा जिसको कहा गया सीवीड टोड और स्पाइडर किसकी प्रजातियां हैं यह आपको बताना है ओके okay, सो so पे स्पाइडर तो आंसर आने लग गया, समुद्री सीवार कहा जाता है इसको ठीक है ये न्यूज में इस वजह से था क्योंकि यहां पर जो मरीन बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने पंजाब भटिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनके पास जो है ना उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर प्राणियों को खोजा शशिकला uh, पासड अवे इन अप्रिल टू जीरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर राइट यहां पर आपसे पूछा गया है कि शशिकला जी जो है ना अभी रिसेंटली पास हुई इनको किस साल में आपका वो मिला था साल दो हजार सात साल 2007 में इनको सरकार के द्वारा प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था राइट और एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये एक्ट्रेस थी शशिकला जी राइट right, जो चार अप्रैल दो को जिनका निधन हो गया इनका जो पर्टिकुलर मतलब इनको किस नाम से जाना जाता था सशिकला ओम प्रकाश सैगल सशिकला ओम प्रकाश सैगल के नाम से जाना जाता था सौ से ज्यादा मूवीज में इन्होंने काम करा है और इन्हीं को प्रस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये ऑल्सो कन्फर करती हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये जो है ना इनको साल 2009 में दिया गया था विच इंडियन सिटी वर्द सिक्सटी सेवन नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंसड निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को घोषणा करी गई है मुंबई नई दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे स्वराज बिल्कुल यहां पे नेगेटिव रोल प्ले करते थे गुड मॉर्निंग रोहित इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा न्यू डेली जो आपके सड़सठवें फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा है नई दिल्ली से करी गई थी कब की बात है तो आप सभी जानते हैं मार्च 2021 मार्च 2021 मार्च 2021 में यह घोषणा करी गई थी और ये आपके जो है ना मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड जो थे यह अवार्ड आपका तीन पर्टिकुलर सेक्शन में दिए जाते हैं राइट नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये आपके तीन पर्टिकुलर सेक्शन में दिए जाते हैं फर्स्ट दैट बी कॉल्ड एज द फीचर फिल्म फीचर फिल्म के क्षेत्र में सेकंड दैट बी कॉल्ड एज नॉन फीचर फिल्म नॉन फीचर फिल्म और थर्ड दैट बी कॉल्ड एज द बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा ये तीन पर्टिकुलर उसमें जो ना ये दिया जाता है तो अब देखिए साल 2021 2021 टू में जो अवार्ड दिए गए थे आप सभी जानते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंडा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया था राइट मनोज बाई पे को भोसले के लिए धनुष को असुरन के लिए है ना जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था विजया सेठपति को राइट सुपर डिलक्स के लिए है ना बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड पल्लवी जोशी को मिला द ताशकंद फाइल के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जो है ना ये आपका बहत्तर हुए इसको मिला है और बेस्ट फीचर फिल्म जो आप सभी जानते हैं मलयालम मूवी है जिसको मरक्कर बोलते हैं इसको दिया गया राइट तो ये आपको जो है ना नेशनल अवार्ड जरूर याद कर लेना है प्रिपेयर कर लेना है आगे देखिए आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग इंडेक्स हु हैज बिकम द ब्लूमर्ग इन 2021 एज ऑफ फरवरी 2021 ब्लूमबर्ग ब्लिनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है सो so गाइज आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी राइट भारत के हैं हमारे मुकेश अंबानी ये सबसे रिलायंस uh, इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और ये जो है बिकम हुए हैं सबसे वेल्थियस्ट पर्सन एशिया में राइट और चाइना के पहले थे जिनको झोंग सुसन कहा जाता था उनके बाद झोंग सामसन के बाद आते थे बट अभी ये क्या हो गए हैं नंबर वन पे पहुंच गए हैं ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबो का कार्स वन हैज बीन इंट्रोड्यूसड बाई विच कैन फ्लाई थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट राइन ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन द वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबोकार जिसे टाइगर एक्स वन कहा जाता है द्वारा पेश किया गया जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य सबसे कठिन इलाकों में भी उड़ान भर सकता है जोंग निकल गया है ये जोंग ये कभी ना सुधरने वाले हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हिंडई मोटर राइट हिंडई मोटर जो कार है इसने अभी एक पर्टिकुलर कार को रोबो कार को डिजाइन किया क्या बोला गया टाइगर एक्स वन और ये जो है ना आपका क्या हो सकती है मतलब तैर भी सकती है मतलब ये जो आपका मतलब कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर सकती है आपका ये फ्लाई कर सकती है राइट right? हिंडई के फाउंडर कौन है जिनको बोला गया चुंग जू युंगई मोटर्स के फाउंडर इनका नाम है चुंगजू यंग ठीक है और ये कहां पे कब फाउंड हुई थी 29 दिसंबर 1967 को फाउंड हुई थी 1967 को फाउंड हुई थी कहां पर हुई थी सो साउथ कोरिया सियोल साउथ कोरिया में जो है ना इसका हेडक्वार्टर है आगे देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हरीश रावत अमित वारी नौटियाल तीरथ सिंह रावत अंकित पांडे कोई बात नहीं सही होंगे इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा तीरथ सिंह रावत राइट यहां पे जो है ना ये आपके चीफ मिनिस्टर बने उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत और 10 मार्च 2021 को यहां पर क्या हुए थे इन्होंने शपथ ली थी बट इसके बाद इसके बाद ये भी हट गए राइट right, इसके बाद ये भी हट गए और इनकी जगह किसने ले ली इनकी जगह पर आ गए पुष्कर धामी राइट right, यहां पर इनकी जगह पर कौन आ गए आपके पुष्कर धामी ठीक है पुष्कर धामी यहां पर इनकी जगह पर आ गए और ये ध्यान रखिएगा कि मतलब ये सडन क्या हुए थे सडन आपके चेंज हुए थे ठीक है सडन आपके चेंज हुए थे तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है पुष्कर धामी ये भी बदल सकते हैं मंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट द ई पंचायत पुरस्कार टू जीरो टू वन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार दो हजार इक्कीस का शुभारंभ किया है ई पंचायत पुरस्कार दो हजार इक्कीस का शुभारंभ किसने किया है यह आपको बताना है तो गाई इसका सही आंसर जब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है ना कैटेगरी वन में ई पंचायत पुरस्कार को लॉन्च किया है और ये जो है ना मतलब आसाम और छत्तीसगढ़ ये आपके सेकेंड से सेवेंथ तक में आपके जो है ना आ गए हैं बट यहाँ पे जो है ना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा राइट जो आपका ई पंचायत पुरस्कार 2021 है द थर्टींथ एडिशन ऑफ द एरो इंडिया वॉज एट एरो इंडिया का तेरहवा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था एरो इंडिया का जो तेरहवा संस्करण है ये कहाँ पे आयोजित किया गया तो आप सभी जानते हैं जगत कर्नाटका जो थर्टींथ एडिशन था एरो इंडिया का ये हेल्ड हुआ है बेंगलोर कर्नाटका में ये इवेंट जो है आपका फाइव डे का इवेंट था जो कट शॉर्ट कर दिया गया था तीन दिन के लिए राइट थ्री डेज के लिए जिसको कट शॉर्ट कर दिया गया था और यहां पर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कहला जाएगा ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन जून टू जीरो टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड द अनुपुरोहित एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने अनुपुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है इन्फोसिस इंपॉर्टेंट है इसका सही उत्तर आप देखें सो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एसेंचर राइट एसेंचर इसका राइट right आंसर कहला जाएगा है ना और एसेंचर यहां पर जो है ना इसके द्वारा इसको इनको अपॉइंट करा गया है एसेंचर के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सी आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द कुरमा ऐप कुरमा ऐप का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है राइट right? कुरमा ऐप का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है अभी काफी न्यूज में था आसाम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था एनजीओ के साथ राइट right? एक बिजन डॉक्यूमेंट भी ये लेकर के आए थे सो दैट एटलीस्ट वन थाउजेंड जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल हैं उनको बचाया जा सके मतलब ये आपका किससे रिलेटेड है टर्टल कंजर्वेशन कछुआ संरक्षण से बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इन जून टू जीरो टू वन शंभुनाथ श्रीवास्तव अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन हु ही दो जून 2021 में शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उन्होंने किसका स्थान लिया है ये आपको बताना है मौसम बड़ा बेईमान है है ना और मौसम बड़ा बेईमान ठीक है अच्छी बात है बेईमान है है ना लेकिन उसकी बेईमानी में फंस गए ना तो मौसम तुम्हारी जिंदगी को बेईमान कर देगा बात समझ करके रखना छोटी सी है बट बहुत गंभीर है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको बेईमान मौसम से कैसे बचना है है ना इस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का इन्होंने मुकुल संगमा को सक्सीड किया है अब क्या करें तुम्हारा ही तुम्हारा मैसेज दिख जाता है और ये सेठी कीर्ति इसका मैसेज दिख जाता है इतने लंबे लंबे मैसेज लिखने का टाइम तुम्हारे लोगों के ही पास होता है बाकी सब अपना चुपचाप पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा आपका मुकुल संगमा इसका सही उत्तर कहला जाएगा ये मुकुल संगमा को इन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर जज रहे अलाहाबाद कोर्ट के शंभुनाथ श्रीवास्तव जी राइट अलाहाबाद कोर्ट के जज रहे हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव जी रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया जून दो हजार इक्कीस में जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है संजय राणा विजय सिंह चौहान वयानी उत्तम खोबरागड़े और अशोक कुमार आ खुशी ये करंट अफेयर देखो जो है ना करंट अफेयर सब जगह सेम होता है क्योंकि करंट अफेयर के जो पर्टिकुलर चीजें चल रही होती हैं ना ये हर जगह पर ऐसी ही पूछी जाती है सब जगह पर सेम होती है राइट right? तो आप बिल्कुल यहां पर इसको पढ़ सकते हो ठीक है एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही इसका राइट आंसर फिलहाल क्या कहला जाएगा अशोक कुमार राइट right? जून 2021 में जाम्बियागढ़ गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अशोक कुमार जी को इन्होंने जो है ना अपॉइंट किया है और अशोक कुमार वर्तमान में एम्बेसडर हैं इंडिया के जो रिपब्लिक ऑफ जिबूटी में राइट रिपब्लिक ऑफ जिबूटी में और वहाँ से इनको जाम्बिया भेजा जा रहा है ये 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं एनटीपीसी टी पी सी लिमिटेड सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑफ 4.75 पॉइंट सेवन फाइव गीगा वॉट इन विच स्टेट एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में चार दशमलव सात पांच गीगा वॉट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात और हरियाणा इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा गुजरात ठीक है देखिए गुजरात जो है ना एनटीपीसी लिमिटेड चार दशमलव सात पांच गीगा का जो एक पर्टिकुलर रन ऑफ कच्छ है ना रन ऑफ कच्छ गुजरात में आता है तो यहां पर और ये आपका जनरेट करेगा किससे ये आपका जनरेट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को फॉर कमर्शियल स्केल पर एनटीपीसी टीपीसी रिनेबल एनर्जी लिमिटेड ने रिसीव करा है अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एंडल एनर्जी से राइट सो दैट यहां पर ये क्या कर सके अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके गुजरात की बात करें विजय रूपानी यहाँ के सीएम और गवर्नर है आचार्य देवव्रत आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक फेस ऑफ एन हियड इन न्यूज इज रिलेटेड टू अक्सर समाचारों में उल्लिखित प्रदर्शन प्रदर्शित ऑपरेशन ब्लैक फेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है रिमूविंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मटेरियल रिलेटेड हेरसमेंट केसेस इन कॉर्पोरेट उड़ीसाटिव टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन इन द स्टेट नन ऑफ दंसर क्या कहला जाएगा रिमूविंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मटीरियल जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मटीरियल है इसको रिमूव कर देना ये आपका ऑपरेशन ब्लैक फेस था और ये काफी ज्यादा न्यूज में था राइट uh, महाराष्ट्र स्टेट की जो साइबर सेल है उसने ये कॉल लिया था अगेंस्ट दिडोलफिया राइट मतलब जो पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी वगैरह उसके इंडिया एंड विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री विल री ओपन द हल्दीबारी रेल लिंक नियर आफ्टर 55 फाइव भारत और कौन सा देश लगभग 55 वर्षों के बाद चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक वो फिर से खोलेगा <laughs> करण कुंद्रा फंस गया अब राज कुंद्रा जेल गया इसी वजह से अच्छा इसका राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा बांग्लादेश इसका राइट आंसर कहला जाएगा राइट बांग्लादेश इसका उत्तर कहला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश आपके वापस से ओपन करते हैं चिलहाती हरबरी को लगभग पचपन साल के बाद है ना और ये अगर आप देखो तो मतलब इसको कब जो 1965 में 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ था तो आप बोलोगे सर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो उससे क्या रिलेशन था ये बांग्लादेश नहीं था पहले ये वेस्ट पाकिस्तान के अलावा था तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उस समय पर इसको बंद कर दिया गया था आगे देखिए इन जनवरी 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज गॉट द जीआई टैग फॉर गुस्सी मशरूम जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है अच्छा <laughs> एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए कितना टफ आएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एक अलग से सेशन ठीक है जस्सी इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर क्या कहला जाएगा जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर कहला जाएगा ठीक है गुस्ची मशरूम का जीआई टैग किसको मिला है जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव फ्री टू जीबी डेटा फॉर द स्टूडेंट हु अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस किस राज्य सरकार ने यह अनाउंस करा है कि वो दो जीबी डेटा फ्री देंगे जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट आपका ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते हैं इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं देखिए तमिलनाडु इसका राइट right आंसर होगा तमिलनाडु के जो पर्टिकुलर मतलब गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित जी है ना तो यहां पर जो है ना इनके द्वारा मतलब अनाउंसमेंट करा गया था राइट right? कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु है ये इंप्लीमेंट करेगा स्कीम को फॉर जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज स्टूडेंट है उनको दो जी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा और इससे जो है ना लगभग नौ लाख जो स्टूडेंट है नौ लाख स्टूडेंट को फायदा मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस अकेडमी ऑफ द स्टेट इज द बेस्ट डिक्लेयर बाय द सेंट्रल होम मिनिस्ट्री सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है कि कहाँ की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी है तो आप सभी जानते हैं आर पी है, राजस्थान पुलिस अकेडमी राइट ये जो आपका जयपुर में है इसको डिक्लेयर किया गया बेस्ट पुलिस एकेडमी इन द कंट्री राइट सावन टेक जी बिल्कुल इसके बारे में आप पता करिए मिलेगा जरूर पीडीएफ मिलता है खगेंद्र जी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए टेस्टबुक के शशि रेलवे को मिलेगा आपको वहां पर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट द निमोनिया निमोनिया के खिलाफ भारत के पहले विकसित वैक्सीन का नाम क्या है नीप्रोटेक्ट निमोफाइट नेमोसिल और न्यूमोसेन इसका सही उत्तर आप देखिए दिस इज कॉल्ड एज द न्यूमोसिल देखिए जब भी अपन मेडिसिन की बात करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेवलप वैक्सीन निमोनिया की लॉन्च करी गई राइट और ये जो निमोसेल है ना निमोसेल किसने डेवलप करी है तो एस आई आई पी एल एस आई आई एस आई आई पी एल के द्वारा लॉन्च किया गया इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है ये बहुत सारे जो पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं इनके कोलोबरेशन के साथ मिलकर के इन्होंने निमोनिया की हमारी पहली देशी दवाई को बनाया है ठीक है देशी यानी कि जो हमारे देश में ही विकसित की गई विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेट हैज टू होस्ट द ब्रेक डांस स्पोर्ट इन एशियन गेम्स टू जीरो निम्नलिखित में से किस राज्य को यहां पे जो एशियन गेम्स खेलों की में ब्रेक डांस स्पोर्ट की मेजबानी करनी है उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार और झारखंड राइट आंसर यहां पर देखिए बिहार कहला जाएगा बिहार होस्ट करने वाला ब्रेक डांस स्पोर्ट को गया डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जो है ना ये कहा गया अनाउंस किया गया कि बिहार होस्ट करेगा आपका ब्रेक डांस स्पोर्ट एशियन गेम्स 2021 में ब्रेक डांस स्पोर्ट जो है ना ये आपका ओलंपिक 2024 का पार्ट है ओलंपिक 2024 में इसको पार्ट बनाया गया है रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ द म्यूनिशिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इन मार्च टू जीरो टू वन मार्च 2021 में नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग किसने जारी करी ब्रेक डांस डांस तक ना आता होगा ओ बिहार ब्रेक डांस कोई बात नहीं अनीता राइट आंसर इसका क्या कहला जाएगा हरदीप सिंह पुरी आप सभी जानते हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं राइट और इन्हीं के द्वारा जो है ना आपका म्यूनिस्पल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया गया आगे देखिए फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया तो गाइज आप सभी जानते हैं कि जो साल दो हजार का बजट है यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन जो मिनिस्टर फाइनेंस है कॉर्पोरेट अफेयर की निर्मला सीतारामन जी इन्होंने प्रेजेंट करा था जो आपका यूनियन बजट दो हजार है पार्लियामेंट में कब एक फरवरी 2021 को और ये बजट जो है मतलब अपना इसलिए भी न्यूज में था कि ये पहली बार चूंकि कोविड क्राइसिस था कोविड क्राइसिस कारण ये पर्टिकुलर जो बजट है आपका कैसे प्रेजेंट करा गया ये बजट आपका डिजिटली जो है ना इसको प्रेजेंट किया गया था भारत का पहला डिजिटली बजट है जो ये यहां पर वो किया गया था इस बजट के कितने पिलर्स थे टोटल छ पिलर रखे गए थे सबसे पहला था हेल्थ और वेलबींग था दूसरा फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इंस्पिरेशनल इंडिया और पांचवा था आपका रिवरिंग ऑपरेशन ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन एंड आर एंडी ये आपका छठवा था ठीक है तो ये आपके छह पिलर यहाँ पर इस बजट के रखे गए थे इन मार्च टू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सी एम ऑफ उत्तराखंड राइट सो अब देखो ये वही क्वेश्चन यहां पर आ गया जो भी अपन डिस्कशन कर रहे थे राइट आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा तीरथ सिंह रावत लेकिन अब तीरथ सिंह रावत यहां पर नहीं रहे ठीक है तीरथ सिंह रावत की जगह पर कौन आ गए हैं तीरथ सिंह रावत की जगह पर यहां पर जो धामी जी हैं ये आ गए हैं ठीक है गाइस देखो एक ये जो क्वेश्चन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्च में इनको अपॉइंट किया गया था बट इनकी जगह पर कौन है अब धामी आपको सीएम एंड गवर्नर देखो ये मैं कई बार बताया है मैंने आपको अपडेट कर लेना सीएम एंड गवर्नर कैबिनेट मिनिस्टर ये आपको अपडेट कर लेना है आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा राइट अंजलि भारद्वाज हैज बीन ऑनर्ड बाई द यूएस विद द न्यूली इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड सी इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंजलि भारद्वाज को अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह निम्नलिखित में से किसकी संस्थापक हैं दुर्गा वाहिनी सतर्क नागरिक संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार हिंदू मुन्नानी तुमको ही तुम्हारी चाय मुबारक हो है? इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा सतर्क नागरिक संग, संगठन खुद सिलेक्शन ले लो जब खुद तुमको सैलरी मिलने लग जाए तब चाय पिलाना तब हम जरूर पिएंगे ठीक है अभी देखो यहाँ पर जो है ना तो अंजलि भारद्वाज जी को जो ऑनर किया गया है यूएस में जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड है तो ये आपके जो सतर्क नागरिक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है इनके द्वारा सतर्क नागरिक संगठन को फाउंड किया गया था ठीक है आगे देखिए सेंटर है सैंक्शन एंड अमाउंट ऑफ हाउ मेनी रुपीस इन करोड़ अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ओवर 1.14 लाख अकाउंट अ टू 23 मार्च 2021 केंद्र ने योजना की शुरुआत के बाद से 23 मार्च 2021 तक 1.14 लाख से अधिक खातों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट आंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना सेंशन करा था पच्चीस हजार पांच सौ छियासी करोड़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत वन पॉइंट अकाउंट में तेईस मार्च दो तक के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार सो so, किनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है आप सभी जानते हैं थलैया राइट right, है आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा रजनीकांत राइट right, जो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इनमें जो पॉपुलर इंडियन एक्टर रजनीकांत को यहाँ पर चुना गया है और इन्होंने 1975 में अपना डेब्यू किया था और ये जो है ना आपके मतलब बालाचंद्र की जो फिल्म है अपूर्वा रंगा गई इनमें और पॉपुलरली इनको जो है ना किस नाम से जाना जाता है थलाइवा के नाम से जाना जाता है इनको साल 2000 में पद्म भूषण मिला था साल 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च एन इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव टाइटल चुप मत बैठो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट निम्नलिखित में से कौन भ्रामक उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एकीकृत उपभोक्ता कनेक्ट पहल शुरू करेगा मतलब देखो एडवर्टाइजमेंट मतलब कुछ भी दिखा देता है आजकल है ना एडवर्टाइजमेंट हर जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका जो पर्टिकुलर क्या है आपका हर कंपनी का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं से भुनाने में लगा है तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ए एस सी आई एडवर्टाइजिंग काउंसिल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर जो है ना लॉन्च करा गया था इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव यह अवेयरनेस बताता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत जिसको डोंट सिट क्वाइटली बोला गया डोंट सिट क्वाइटली यानी कि आप यहां पर क्या ना बैठिए चुप मत बैठिए ठीक है थीके? च ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम स्नेक पीडिया निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्नेक पीडिया नाम का जो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसका सही उत्तर देखिए केरल राइट आंसर कहला जाएगा केरला अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम स्नेक पीडिया हैज बीन लॉन्च बाई अ टीम ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर्स एंड फोटोग्राफर्स इन केरला

दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से लैब ऑन व्हील शुरू की है नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ डेली उत्तर आप देखिए राइट आंसर क्या कहला जाएगा डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी राइट इसका एक जो पर्टिकुलर एम है प्रोवाइड करना जो आपका क्वालिटी एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को और जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने जो है ना लैब ऑन व्हील्स को लॉन्च किया रोड द बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन लिविंग माउंटेन नामक जो पर्टिकुलर पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है so guys, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अभिना अमिताभ घोष को अमिताभ घोष की एक जो पर्टिकुलर स्टोरी बुक है जो इन्होंने लिखी है राइट और ये जो है ना इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में ज्ञानपीठ विनर रहे हैं और इन्होंने इंटरनेशनली रिन्यूड मतलब ऑथर है अमिताभ घोष ठीक है जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर पुस्तक को लिखा गया है आगे देखिए इन जून टू जीरो टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप द न्यू टेक्निक कॉल्ड स्वास्थिक फॉर डिस इनफेक्टिंग द नेचुरल ऑयल जून दो हजार संस्थान ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्थ्य नामक एक नई तकनीक विकसित की है तो गाइज इसके लिए आप सभी जानते हैं राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है इसके द्वारा इस पर्टिकुलर तकनीक को विकसित किया गया राइट इसके द्वारा इस पर्टिकुलर तकनीक को विकसित किया गया है जहां पर कि ये क्या कर रहे हैं जहां पर कि ये आपका जो है ना विकसित कर रहे हैं राइट जो आपके मतलब इस पर्टिकुलर टेक्निक को जिससे वाटर को डिस कर दिया जाए ये जो आपका नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है ये किसके अंडर आती है सो ये आपका सी एस आई आर सी एस आई आर के अंडरती सी एस आई आर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट वर्क ऑन द नेक्स्ट नेशन वाइड कोविड नाइनटीन सैरो इन जून टू जीरो टू वन निम्नलिखित में से कौन जून दो हजार इक्कीस में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड नाइन्टीन सीरो सर्वे पर काम शुरू करेगा तो आप सभी जानते हैं आईसीएमआर राइट आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये स्टार्ट करेगा आपका जो नेक्स्ट नेशन वाइड कोविड नाइनटीन सर्वे है जून 2021 में ये सेरो सर्वे इश्यू करता है डिटरमाइन करता है जो भी आपके फ्री बैलेंस ऑफ कोरोना वायरस एंटीबॉडीज हैं कम्युनिटीज में उनके बारे में गलती से मिस्टेक नहीं करना है अभिषेक है ना गलती से मिस्टेक करोगे तो वो आपकी मिस्टेक से क्या कर देंगे कुछ भी स्टेट स्टेट साइन सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द द स्वामित्व स्कीम इन किस राज्य ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं सही उत्तर इसका क्या ला जाएगा आसाम राइट आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम गवर्नमेंट ने जो है ना साइन किया है एमओयू जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट। रॉयल टेनिस फेडरेशन हैज बर्थडे एज द नेशनल टेनिस डे इन स्पेन रॉयल टेनिस रॉयल स्पेनिस टेनिस फेडरेशन ने किसके जन्मदिन को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है स्टेन वावरिंका नोवाक जोकोविक राफेल नडाल आंद्रे अगासी तो गाइज इसका राइट आंसर देखिए क्या कहला जाएगा और जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं आई नेवर टू से दिस आप सभी जानते हैं कि मैं कभी ऐसा मतलब कहने पर वो नहीं करता आई नो कि आप सभी लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करते हैं बट जिसने भी अपना अटेंडेंस मार्क नहीं करा है एटलीस्ट अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा राइट right? सो so, इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर यहां पर कहला जाएगा देखिए राफेल नडाल आप सभी यहां पर राफेल नडाल को जानते हैं ये तेरह बार इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता है राइट सेलिब्रेट किया था इन्होंने बर्थडे तीन जून दो हजार इक्कीस को तीन जून दो हजार इक्कीस को इन्होंने अपना पैंतीसवा बर्थडे मनाया थर्टी फिफ्थ बर्थडे मनाया और रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया इनके बर्थडे को नेशनल टेनिस डे कहां पर स्पेन में ठीक है यानी कि स्पेन में तीन जून को नेशनल टेनिस डे मनाया जाएगा आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आ, यहां पर जो है ना आपसे पूछा गया हु द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है अमृत सेन मार्था रेबेका सोलनेट और अमिता अभिजीत बेनर्जी सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर कहला जाएंगे अमृत्या सेन राइट अमृत्या सेन इसके राइट आंसर हो जाएंगे ये आपके जो पर्टिकुलर पुस्तक बुक म इन दर्ल्ड के राइटर हैं और पेंग्विन हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया और आप सभी जानते हैं कि प्रोफेसर अमृत सेन आपके इकोनॉमिस्ट हैं फिलोसफर हैं इनको नेशनल मेमोरियल नोबेल का मेमोरियल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक साइंस में 1998 में नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं और भारत के द्वारा 1999 में ही इनको भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था द केरला गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड मट्रू कवचम हु इज द सीएम ऑफ केरला केरल सरकार मथुरु कवचम नाम से एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है केरल के मुख्यमंत्री कौन है जयराम ठाकुर पिनराई विजयन नव फ्रियो बफू एस बघेल बिपल कुमार देव तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं पिनाराई विजयन यहाँ के जो है ना चीफ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा मथुरु कवचम मथुरु कवचम को स्टार्ट करा गया और यहाँ पे जो है ना ये एक पार्ट है कैंपेन का जो भी आपकी प्रेग्नेंट वीमेन है प्रेग्नेंट वीमेन्स को रजिस्टर करना फॉर वैक्सीनेशन के लिए और ये जो वार्ड बाय वार्ड वार्ड बाय वार्ड यानी कि आप सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी जो होते हैं तो वहाँ पे आशा कार्यकर्ता होते हैं राइट right? आशा कार्यकर्ता होते हैं तो उससे तो ये आपका फैसिलिटेट करते हैं स्मार्टफोन जो भी आपके रजिस्टर्ड होते हैं आशा वर्कर्स और इन हेल्थ वर्कर को इंश्योर करें कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं ईच एंड एवरी सेंटर और एरिया ये आपका वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हो ठीक है आगे देखिए वट इज द नेम ऑफ द चाइनाज आर्टिफिशियल सन चीन है मतलब इतना चोर है कि आप देखो यहां पे हर चीज आर्टिफिशियल मिलती है यहां पे हर चीज आर्टिफिशियल मिलती है पता है क्या क्या आर्टिफिशियल है यहां पर आर्टिफिशियल रेन ये बारिश भी आर्टिफिशियल करवा लेते हैं आर्टिफिशियल राइस खाने के लिए प्लास्टिक के चावल ये सब तक तो ठीक था अब इन्होंने आर्टिफिशियल सन भी बना लिया सूर्य राइट आर्टिफिशियल सन भी बना लिया और इसका सर क्या कहला जाता है ईस्ट कहा जाता है इसको चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है इसको ईस्ट कहा जाता है राइट right? ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग तो राइट right, ये यहां पर है मतलब आप देखो यार ये कितने चोर लोग हैं चीन मतलब छोटी आंखों वाले क्या क्या करते रहते हैं सूरज तक बना लिए हैं आगे बढ़ो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है राइट right? कब मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत तेजस्वी लोग हैं है ना बहुत तेजस्वी लोग हैं पता नहीं चीन में ऐसे लोग आते कहां से वैसे पूरी जनरेशन वहां की बुढ़ाई जा रही है बट वो बुढ़ों को देखो तो क्या क्या करते जा रहे हैं हमारे देश में अगर सूरज बन जाए तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा फोर्टीन जून इसका राइट आंसर कहला जाएगा चौदह जून विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है चौदह जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और यहां पर जो है ना आपका ये फोर्टीन जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है किसको द्वारा मनाया जाता है तो ये अनाउंसमेंट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया था और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यही यहां पर क्या करता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही आम का इसको विश्व रक्तदाता दिवस को मनाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है यहां पर आपसे कि इन जून टू जीरो टू वन विच स्टेट रिलीज द गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज जून 2021 में किस राज्य ने स्कूली छात्रों को यौन शोषण से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं तमिलनाडु पंजाब सिक्किम और उड़ीसा राइट right? कौन सा पर्टिकुलर स्टेट है जिसने जो है ना आपका जारी किए हैं गाइडलाइंस तो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर एम के स्टालिन गवर्नर है यहां के बनवारी लाल पुरोहित आप तो सभी बता देंगे बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं और इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर कहला जाएगा ठीक है तमिलनाडु के द्वारा जो है ना रिलीज किया गया गाइडलाइंस प्रोटेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज और आगे देखिए पूछा गया हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन द चिल्ड्रन एंड आर्म कंफ्लिक्ट जून टू जीरो टू वन थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंस जून 2021 में राइट संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की वीडियो के माध्यम से किसने संबोधित किया है विजय गोखले हर्षवर्धन कुमार कुमार अजय भल्ला ओके अर्चना उड़ीसा में भी एक ऐसी ही स्कीम है ठीक है वेरी गुड बट वो स्कीम जो है ना वो स्पेशली कहां से शुरुआत की गई तमिलनाडु से शुरुआत करी गई ठीक है अच्छा यहां पे देखिए आप जो है ना सभी लोग चूंकि जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं आपको SSC, में CGL में सिलेक्शन के लिए चेस्ट बुक ने डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जो चेस्टबुक डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में चल रहा है राइट मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके सारी क्लासेस आपको यहां पर मिलते हैं तो गाइस जीके की क्लास होती है दोपहर में एक बजे राइट right दोपहर में एक बजे और मैंने यहाँ पर जीके की क्लास में आपको हिस्ट्री पॉलिटी साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह का रिविजन करवा दिया है फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड अपन ज्योग्राफी का रिविजन कर रहे थे आज अपन अर्थ और उसके इंटीरियर इंटीर, एक्सटीरियर जो भी पर्टिकुलर सब कुछ है ना उन सब के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में ठीक है तो गई जिसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर क्या कहला जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला हर्षवर्धन श्रृंगला इसका राइट आंसर रहेंगे और आप सभी जानते हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंखला जिन्होंने एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल ओपन डिबेट जो चिल्ड्रन और आर्म्ड कंफ्लिक्ट पर थी राइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और यहां पर इस डिबेट को चेयर किसने किया था प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया इस पर्टिकुलर डिबेट के जो चेयरमैन हैं ये थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया टोनिया के प्रेसिडेंट यहां पर इसके क्या है चेयरमैन थे स्टोनिया के प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन थे और इस्टोनिया के प्रेसिडेंट जो यहाँ पर चेयरमैन थे इनका नाम क्या है सो so इनको आप सभी जानते हैं मिस्टर करस्ती कैजुलाइड ठीक है तो गाइज दिस इज फॉर द डे आज आज की क्लास में इतना ही, राइट? आज की क्लास क्लास में में इतना इतना ही ही राइट आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा राइट सभी से ये है कि भाई वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा राइट बहुत कम सेशन बारह हो गए हैं आठ सेशन और बचे हैं आठ सेशन में अपने वन थाउजेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक हजार सी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे राइट सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चेस्बक के चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल well आइकॉन जरूर प्रेस करें सो so देट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके एंड यहां पर देखिए आपको क्या करना है ये कोड ध्यान रखना है आर ए टू जीरो जब भी आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट ऑफ कोई भी ऑनलाइन कोर्स रहे राइट सो फाइनली गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की क्लास में इतना ही और अभी अपन एक बजे मिलेंगे अर्थ वाली क्लास में ओके सो थैंक यू गाइज बाई है